लागी का मार्ग ओर है लगे चोट काल जा करके। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है कि ये संतुष्ट नहीं हो सकता। साइकिल है, पहले तो ये भगवान एक साइकिल हो जा, साइकिल होगी फिर थोड़ा गुजारा ठीक होते, नहीं कहे भगवान एक मोटरसाइकिल हो जा, वह मोटरसाइकिल का भी मान ले बहुत हो गया। फिर नो सोचा है एक कार हो जा, सारा परिवार एक में घूमने चले मौज हो जाए, फिर कार हो जा तो अच्छा, थोड़ा बहुत धंधा किसी का ठीक है तो कार ले ली 1,00,000 रुपये की 2,00,000 की, फिर और थोड़ा सा ब्योत यानी कोई स्थिति ठीक हो जाती है वित्तीय हालत, फिर नहीं होकर 20,00,000 की गाड़ी लूंगा। अरे तरह गजब हुई हो इसका की तो फिर हेलीकॉप्टर लूंगा, उस हेलीकॉप्टर में गिर कर उड़े मरिया पावा गधा बना पावा, जो काम करना था वो किया को नहीं, भक्ति की नहीं। अब परमात्मा क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौवा हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा के ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक हो के दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा। ये जो तत्व ज्ञान अभी तक तुझे प्राप्त नहीं हुआ और इसके ना प्राप्त होने से तू ना जाने कितनी बार राजा बना और क्या बना, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। होई होई। इंद्र स्वर्ग का राजा देवताओं का राजा बनकर भी तेरे मन की संतुष्टि नहीं हुई। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ईश, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव की भी मृत्यु होती है, ये भी जन्म मृत्यु में है। अब ये भगवान की पदवी प्राप्त है और इसके बाद ये 84,00,000 योनियों में जाएंगे, क्योंकि देवी भागवत तीसरे स्कंद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ 123 पर विष्णु जी दुर्गा की महिमा बताते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सब संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है और मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही से, हमारी उत्पत्ति हम आपसे ही जन्म हुआ है, हम नित्य नहीं, हमारा विरभाव जन्म और तिरोभाव मृत्यु हुआ करती है। शंकर भगवान कहता है, दुर्गा हे माता, जब आपसे ब्रह्मा भी उत्पन्न हुआ है, विष्णु भी आपसे जन्म हुआ, तो ये तमोगुणी लीला करने वाला मैं शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्म राया, विश्वनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। देवताओं की पूजा करके, विष्णु जी की पूजा करके, विष्णु जी के लोग को यहाँ ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है इन तीनों देवताओं की तुलना में। कहते वहां उस लोक में जाकर भी अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर वापस आया और ब्रह्म लोक में जाकर भी तू वापस आया, ब्रह्म की साधना करके भी तू 84,00,000 योनियों में आया अपने पुण्य अक्षीण करके। असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। जैसे एक इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग होता है, 72 चतुर युगी होता है, एक चतुर युग में 4 युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और इनका कुल योग बनता है वर्षों का 43,20,000 वर्ष, ये एक चतुर्युग का, और ऐसे ऐसे 1,008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन एक डे और इतनी ही नाइट, 1,008 वर्ष का दिन 1,008 वर्ष की रात, इसको लंप संप स्वाभाविक इसको 1,000 वर्ष 1,000 चतुर्युग मानते हैं। 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, 1,000 चतुर्युग की रात और 30 दिन रात का एक महीना बनता है और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। वैसे इस प्रकार ये जो वर्ष बना ऐसे 100 वर्ष की आयु हो, एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष
होए और फिर 60 चतुर्युग का 60,000 चतुर्युग की दिन रात हुई। मेरे ख्याल में गिनती भूल जाओगे, इतना तो ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। और फिर 7 विष्णु ब्रह्मा मर जाएंगे, उसके बाद 1 विष्णु जी की मृत्यु, और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद 1 शिव की मृत्यु, इसकी इतनी लंबी आयु है। और 70,000 ये शिव मर जाएंगे, तब सदा शिव ये काल रूपी ब्रह्म जो गीता जी के 4 अध्याय के 9 श्लोक में कहता है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, ये ऐसे मरता है। ब्रह्म लोक में मृत्यु होती है काल की, ब्रह्म की। ये एक ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में पूरा विनाश हो जाता है, कोई प्राणी नहीं रहता, ये लोक समाप्त नहीं होते, इन पर कोई प्राणी नहीं रहता। और इसके बाद ये दूसरे ब्रह्मांड में नए सिरे से ऐसे ही स्वयं, ये दुर्गा और ब्रह्म ये आत्माएं नहीं बदलती, ये अपने शरीर बदल लेते हैं। इनमें एक शक्ति दी है प्रभु ने, ये अपने शरीर को स्वयं स्वेच्छा से धारण कर लेते हैं, ये भी स्वयंभू कहलाते हैं। और फिर उसके बाद ये तीन दोनों मिलकर के अपने 3 पुत्र पैदा करते हैं, उनका नाम, उनको रजोगुण सतोगुण तमोगुण बना करके एक एक को फिर अपना सारा कार्यभार संभाल देते हैं। तो जो एक 70,000 जब शिव मर गए, एक ब्रह्म मर्या, उस एक ब्रह्म यानी काल की मृत्यु को एक युग कहते हैं परब्रह्म का। एक युग कहते हैं परब्रह्म का, और 1,000 युग परब्रह्म का, कुल 1,000 चतुर्युग नहीं, 1,000 युग परब्रह्म की एक का एक दिन और इतनी ही रात, यानी ऐसे ही 30 दिन रात का उसका एक महीना, और 12 महीने का वर्ष, और परब्रह्म की फिर 100 वर्ष की आयु। और फिर वो परब्रह्म भी मरे, अक्षर पुरुष भी मरे, जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा है कि 2 भगवान माने गिने जाते हैं, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, अर्थात सर्वपुरुष एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष का नाम अर्थ भी अविनाशी भगवान होता है, इस परब्रह्म को भी अविनाशी माना जाता है, लेकिन यह भी अविनाशी नहीं है। उसका प्रमाण दिया 15 अध्याय के 17 श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य वो वास्तव में जो पुरुषोत्तम सही सच्चा भगवान श्रेष्ठ प्रभु, इन दोनों से ब्रह्म और परब्रह्म से अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष से कोई और है, और वही परमात्मा इति उदाहरते उसको भगवान कहा जाता है। यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 से लेकर के 20 तक प्रमाण दिया है कि ये परब्रह्म का जो एक परब्रह्म का 18 अध्याय के 17 श्लोक में कहा है कि परब्रह्म के एक एक दिन में 1,000 वर्ष का दिन होता, 1,000 युग का, चतुर्युग नहीं है उसमें, 1,000 युग का परब्रह्म का दिन होता, इतनी रात होती है। और इस कुर्स के दिन में ये सभी, उसके दिन के समय में ये सभी प्राणी, ब्रह्म के 21 ब्रह्मंडों के प्राणी, उसके 7 संग ब्रह्मंडों के प्राणी, और वो परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं, परब्रह्म के अपने निज स्थान पर सबको रख दिया जाता है। रात्रि जब पूरी हो जाती है, दिन के समय उनको फिर जन्म दिया जाता है। ऐसे कहते हैं फिर 1,000 युग, ऐसे ही 100 वर्ष उस ब्रह्म के होते हैं। फिर लिखा 8 अध्याय के 20 श्लोक में लिखा है कि इस अव्यक्त से, परब्रह्म से भी जो दूसरा अव्यक्त भाव है, वो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, वो वास्तव अविनाशी है। वही 15 अध्याय के 17 श्लोक में स्पष्ट किया है कि 16 श्लोक में वर्णित उन दोनों भगवानों से, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से, ब्रह्म और परब्रह्म से भी कोई और परमात्मा है जो वास्तव में अविनाशी है। वो तेरा गजब हो गयो, क्या बताते हैं परमात्मा। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुर लगे ना कान न भेटे संतरे। इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी, क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत तेरे कान नहीं लगा, अर्थात उसका ज्ञान तुझे सुनने को प्राप्त नहीं हुआ। फिर क्या बताते हैं कि दोजक भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक स्वर्ग नरक को कहते हैं और बिष्ट कहते हैं स्वर्ग को।
दोजक भस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, जैसे आपने देखा भी महावीर जैन जी की दुर्गति, स्वर्ग भी गया राजा भी बना, फिर नरक गया, ना जाने कितनी योनिया बुरी बुरी भोगी। दोजक भस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और तीन लोग से भी तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है कि ये संतुष्ट नहीं हो सकता। साइकिल है, पहले तो ये भगवान एक साइकिल हो जा, साइकिल होगी फिर थोड़ा गुजारा ठीक होते, नो कहे भगवान एक मोटरसाइकिल हो जा, वो मोटरसाइकिल का भी मान ले ब्योत हो गया। फिर नो सोचा है एक कार हो जा, सारा परिवार एक में घूमने चले, मौज हो जाए। फिर कार हो जा तो अच्छा, थोड़ा बहुत धंधा किसी का ठीक है तो कार ले ली 1,00,000 रुपए की, 2,00,000 की। फिर और थोड़ा सा ब्योत, यानी कोई स्थिति ठीक हो जाती है वित्तीय हालत, फिर नो कहे 20,00,000 की गाड़ी लूंगा। अरे तेरा गजब हो यो, इसका की तो फिर हेलीकॉप्टर लूंगा, उस हेलीकॉप्टर में गिर कर उड़े मरिया पावा, गधा बना पावा। जो काम करना था वो किया कोनी, भक्ति की नहीं। दोजिक भी सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद्य अमरे अस्थान। कोई तत्वदर्शी संत मिले तो यहाँ की सब इच्छाओं को समाप्त करके एक परमात्मा पर आधारित कर देगा। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, पद यानी शास्त्र विधु, शास्त्र अनुकूल पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की विधिवत पद्धति साधना का के करने से उस पद को, 15वें अध्याय के जो 4th श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत के ज्ञान के आधार पर साधना करने के बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, यहां की अंतिम साधना है, चार मुक्तियां मानी गई हैं, और चार मुक्तियों के प्राणी भी फिर वापस 84,00,000 योनियों में आते हैं। कहते हैं वहां जो सुख तुम्हें यहां की चार मुक्तियों में मानते हो, वहां तो तेरे चरणों में पड़े रहेंगे वो सुख सतलोक में। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। सत साहे।